नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। खूंटी के डुमरदगा गांव में सादे लिबास में घुसी रांची की नामकुम पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। करीब डेढ़ घंटे तक पुलिस को बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस को बंधक बनाने की खबर पर खूंटी की कर्रा पुलिस डुमरदगा गांव पहुंची। ग्रामीणों को बहुत समझाया बुझाया तब कहीं जाकर रांची पुलिस को सही सलामत छोड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान को सूचना दिए बिना सिविल ड्रेस में आई रांची पुलिस राय मुंडाइन के घर पहुंच गई। पुलिस का बर्ताव ठीक नहीं था जिस वजह से उन्हें बंधक बना लिया गया। खबर के अनुसार नामकुम थाने से गई टीम में एसआई रवि केसरी, बबलू कुमार और सुधांशु कुमार शामिल थे। वापसी में नामकुम पुलिस से गांव के ग्राम सभा के विजिटिंग रजिस्टर में एंट्री कराई गई। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बड़ा हादसा हो गया। यहां समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सिटी लिंक ट्रेवल्स की लग्जरी बस का टायर फट गया जिससे बस खंभे और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। नतीजा बस में आग लग गई। बस में सवार 26 यात्री जिंदा जलकर मर गए। वहीं बस ड्राइवर समेत 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। खबर पाकर मौके पर एसपी सहित कई अफसर पहुंचे। हादसा बीती रात 1:30 बजे के करीब हुआ। उस वक्त बस में ज्यादातर यात्री सोए हुए थे। बस नागपुर से मुंबई जा रही थी। हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गहरा दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज होगा। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में आज से 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। पहले दिन स्कूलों में बच्चों का जोरदार स्वागत किया गया, उन्हें फूल दिए गए। वहीं कुछ स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। राजधानी रांची में ऐसे 5 मॉडल स्कूल हैं। रांची के एक स्कूल में बच्चों के साथ साथ अभिभावक का भी एक दूसरे से परिचय कराया गया। उन्हें उत्कृष्ट विद्यालय के तौर तरीकों से अवगत कराया गया। ये सभी स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये सभी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनाए गए और चलाए जाएंगे। वहीं पहले से जारी आदेश के मुताबिक झारखंड के तमाम सरकारी स्कूलों में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाई लिखाई होगी। राजधानी रांची से सटे मांडर में बीते 27 जून को सिरकटी मिली डेड बॉडी की पहचान सोहन भगत के रूप में की गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मालती गांव से अल्बर्ट एक कार चरिया उराव उर्फ चरिया तिग्गा को गिरफ्तार किया। अल्बर्ट ने पुलिस के सामने सारे राज उगल दिए। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि सोहन की बुरी नजर चरिया पर थी। वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था जिस वजह से सोहन को मौत के घाट उतार दिया गया। सोहन का कटा सिर मालती गांव के कुएं में मिला। वही धड़ मांडर के हाथमा जंगल में मिला था। मिले सिर से उसकी पहचान हुई। नालंदा के परवलपुर थाना के बीघा गांव में दादी और पोते का खून करने वाले संदेही गुनाहगार रविकांत उर्फ झुन्नू को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार रविकांत ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वो कर्ज में डूब गया था। उसका दोस्त अंजनी के घर में आना जाना था। अंजनी के घर में कई कीमती सामान और संपत्ति देख उसके मन में लोभ आ गया। कर्ज से मुक्ति पाने के लिहाज से उसने भयानक इरादा बना लिया। उसने टीवी पर क्राइम पेट्रोल धारावाहिक देखना शुरू किया। उसके बाद वो बीते 27 जून को दोस्त अंजनी के घर पर चोरी की नीयत से घुसा। बदकिस्मती से अंजनी के बेटे और उसकी मां ने उसे देख लिया जिस कारण दादी पोते को मौत के घाट उतार वो वहां से भाग निकला। पुलिस का कहना है कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला रविकांत अपने ही बुने जाल में फंस गया। वो इस मामले में अंजनी के जीजा को फंसाना चाहता था। धनबाद के कतरास में बीते कल भड़की हिंसा के बाद वहां आज धारा 144 लागू कर दी गई। एक साथ 5 लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई। धरना प्रदर्शन जुलूस रैली पर रोक रहेगी। अस्त्र शस्त्र लेकर चलना गैर कानूनी होगा। बीते कल एक मामूली बात पर कतरास के छाताबाद केलोडी खटाल के पास 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। पत्थरबाजी से लेकर बमबाजी तक हुई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। वहीं 20 संदेही को हिरासत में लिया गया है। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र में 2 घरों में सेंधमारी कर कीमती गहने जेवरात चुराने वाले को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार 3 चोरों के पास से पुलिस ने सोने तोलने वाली एक मशीन, चाकू, घड़ी, लैपटॉप का बैग और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वही चोरों के पास से सोने चांदी के कुछ गहने जेवरात भी मिले। पाकुड़ के SDPO अजीत कुमार विमल ने खुलासा किया कि बीते 30 मई को बलिया डांगा मोहल्ले में रहने वाले मनोज राम चौहान और 5 जून को शिवपुरी कॉलोनी तलवा डंगा में रहने वाले आलोक कुमार के घर में चोरी हो गई थी। इस दोनों चोरी कांड में शामिल चोरों को खोजने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस अनुसंधान में हीरा नंदनपुर के रहने वाले युवराज शेख उर्फ लाला को उठाया गया। पूछताछ में वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं इस कांड में शामिल मोहम्मद आसिफ अंसारी और शरीफ अंसारी को भी धर दबोचा गया।
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने का आखिरी समय 30 जून तक दिया था। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनका पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा। ऐसा हो जाने पर उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड का कहीं भी इस्तेमाल घातक होगा, उन्हें जुर्माना भी देना होगा। हालांकि इस मसले पर सरकार लोगों को एक मौका देने पर पुनर्विचार कर रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 17 साल के एक युवक नाइल को ट्रैफिक पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद से देश में हिंसा भड़क उठी। हालत इतनी बिगड़ गई कि गुजरे 4 दिनों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन 2 बार आपातकालीन बैठक बुला चुके हैं। वहीं गृह मंत्री जेरार्ड डार्मेनिन ने कहा, अधिकारियों को दंगे रोकने, गिरफ्तारियां करने और गणतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की शक्तियां दी गई है। आपातकाल की भी नौबत से इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरिस के उपनगर नांतेरे में बीते मंगलवार को ट्रैफिक नियम तोड़ने के इल्जाम में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने किशोर नाइल को गोली मार दी थी। गोली उसके सीने में मारी गई जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद फ्रांस के कई शहर जल रहे हैं। हिंसा बेकाबू हो गई है। हालत इतनी खराब हो गई कि 40,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतारा गया है। करीब 1319 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। 200 से ज्यादा पुलिस चोटिल हुई है। मारा गया नाइल अल्जीरियाई और मोरक्कन मूल का फ्रांसीसी नागरिक था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।